नमस्कार, डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं जीएस यादव। हमारे बीच आज खास मेहमान के रूप में उपस्थित हैं उपचुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी को झाबुआ क्षेत्र और रतलाम क्षेत्र में परास्त करने वाले कांतिलाल जी भूरिया। हम भूरिया जी से चर्चा करें किस उपचुनाव और कांग्रेस की रणनीति को लेकर, लेकिन पहले मेरा भूरिया जी से सवाल हुआ है कि भूरिया जी, आप ये बताएंगे मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद में मध्य प्रदेश में और देश में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें पहला उपचुनाव जो है कांग्रेस ने जीता है, आप इस चुनाव को किस नजर से देख रहे हैं? कांग्रेस की वापसी का संकेत है या आप क्या मानते हैं इसको? माननीय यादव जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आज मैं आपके बीच में धार, झाबुआ, राजगढ़, बड़वानी, कुक्षी, थानला, एसआर एमपी की डीजी न्यूज के समक्ष आया हूँ और आपके डीजी न्यूज के परिवार को, उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और जो आपने सवाल किया है बाई इलेक्शन का, अब उसमें निश्चित ही पूरे देश में ये उपचुनाव पहला मोदी जी के इस राज्य में, केंद्र सरकार में हुआ, और उसमें कई प्रकार की बात चल रही थी कि भाई हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा बेईमानी करके चुनाव जीतती है। वही फार्मूला रतलाम झाबुआ में लागू करना चाहते थे, मगर हम लोगों ने और हमारे रतलाम झाबुआ के मतदाताओं ने इस बात को समझ जाए, पिछले इलेक्शन में उन्होंने अफवाह फैलाकर लोग गुमराह करके और झूठी झूठी बातें करके और उनकी कथनी और करनी का अंतर उन्होंने देखा, और ये सारी चीज़ें बकवास है। और मुख्यमंत्री जी 6 महीने पहले और जाकर उन्होंने अंधाधुंध घोषणा शुरू की, 5,000 करोड़ की घोषणा की थी, और पहले 3 साल पहले भी घोषणा की थी, उसका एक भी नहीं हुआ, और बाद में 5,000 करोड़ की वो भी कुछ नहीं, 6 महीने 3 महीने से आया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हमारा विशेषकर यूपीए सरकार ने जो काम किया था, जो मेरे द्वारा हमने काम किया रतलाम झाबुआ अलीराजपुर में, वो काम आज मौजूद है। और शिवराज जी की जो सरकार 11-12 साल से आ, उनका एक भी कोई काम वहां पर मौजूद नहीं है, और उसी बात को पहले पिछले समय हम भुला नहीं पाए थे, पर वो काम हमने भुला है। और हमारा जो काम था और हमारा काम करने के जो तरीका और लोगों के बीच में आना जाना, हमने हारने के बाद भी मैं लोगों के बीच में जाता रहा और वही मुझे फायदा मिला, और ये जीत हुई है, ये हमारे मतदाताओं की, रतलाम झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र के मतदाताओं की जीत है, और हमारे नेता श्रीमती सोनिया जी, राहुल जी के आशीर्वाद, सहयोग, और सभी हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेताओं के सहयोग से और कांग्रेस में एक जुटता लाकर हम लोगों ने ये चुनाव जीता है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी बेईमानी के साथ चुनाव जीतना चाहते थे, बहुत ही पैसा अनाप शनाप खर्च किया, शराब जगह जगह उन्होंने बांटी, और करीब 80-90 करोड़ रुपया खर्च किया मुख्यमंत्री जी से लेकर सारे मंत्री तक, अलग अलग अपना बैग थैलियां खोल के बैठ गए थे, फिर भी मतदाता ने समझा कि वोट अमूल्य है, वो बिकने नहीं देंगे, पर दबाव दे दे के उन्होंने पैसा बांटा, लोगों ने पैसा लिया भी, खाया भी, और सभी पर अपना वोट का उन्होंने महत्व चुनाव के दिन समझ के और मुझे जिताने का उन्होंने जरूरी समझा, आप मुझे जिताया। भूरिया जी, आपके इसको मानते हैं कि आप मोदी जी से आप जीते हैं या मध्य प्रदेश सरकार से आप चुनाव जीते हैं? अब ये चुनाव बाई इलेक्शन, अब ये मोदी जी के नाम से कह रहे थे, मोदी जी के लहर चल रही है, मोदी जी के हमारा सारी चीज़ें, और शिवराज जी कह रहे थे मैं अपने काम से बलबूते में सरकार चला रहा हूँ, जीत रहा हूँ, वो ये सारी उनपे गलत फहमी थी। और अब शिवराज जी का ग्राफ भी नीचे जा रहा है और मोदी जी का पूरे देश में समझ गए कि ये सब उनको कई प्रकार के तो प्रधानमंत्री फेंकू है और ये सारी चीज़ें फेंकने का काम करता है, पर जमीन के ऊपर आता नहीं, वो कागज के ऊपर ही रहता है, ये सारी चीजें लोग समझ गए हैं। तो अब झाबुआ उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आप देखिए, चुनाव जीतने के बाद ही 1-2 महीने बाद बाई इलेक्शन के होने के बाद अब नगर निकाय का चुनाव हुआ, 8 नगर निकाय विधानसभा अपने नगर पालिका का चुनाव हुआ और 3-4 पंचायतों का चुनाव हमारे क्षेत्र में हुआ, तो वहां पर हमने 100% हम लोग जीते, वहां पर सभी नगर पालिका हमने जो थी उसमें से जीते, हम लोग पंचायत हम लोग जीते, उपचुनाव भी हम जीते, और प्रदेश में 8 नगर पालिका में चुनाव में से 8 में से हम 5 जीते और पंचायतों में भी जीते, कई जगह हमने वार्ड मेंबर भी जीते। तो अब मेंबर भी हमारे बढ़े,
हमने 8 में से 5 नगर निकाय जीती, तो इस बात को ले समझ लीजिए कि अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शाजापुर जैसा आप उपचुनाव की जो बात कर रहे हैं, तो शाजापुर सहित जो आपने उपचुनाव नगरी निकाय चुनाव जीते हैं, उसके बाद में आप मान रहे हैं कि कांग्रेस की वापसी पूरे प्रदेश में वापस हुई है, और उसकी वापसी के पीछे का आप रीजन क्या मानते हैं? बोल, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी इस प्रदेश की जनता समझ गई है, और अब भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए, अब ये उपचुनाव और ये चुनाव हम लोग जीते हैं, तो अब जनता इस बात के पूरी मूड में है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल के और कानून की राज है नहीं, ये जंगल राज चल रहा है। आज आम आदमी परेशान है, गरीबों को खाने पेंशन नहीं मिल रही, आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनाज नहीं मिल रहा, सारा कालाबाजारी हो रहा, नौजवानों की नौकरी बेच खाई जा रही है, नौजवान का भविष्य चौपट होता जा रहा, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है कोई सुनने वाला नहीं, थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखे। तो आज ये सारी स्थिति देख के आम समाज के लोग इस बात को समझ गए कि ये सब फ्लॉप हो रहा है, चाहे शिवराज जी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, आज प्रधानमंत्री को देश के लिए विकास के लिए चुना है देश की जनता ने, अब ये प्रधानमंत्री हमारा पूरा विश्व का प्रधानमंत्री बन के घूम रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से मुड़ के, कहाँ प्लेन बदल रहे हैं, कहाँ अफगानिस्तान जा रहा है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहा, और एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ताकत के उसका हिट कर जवाब पत्थर से देंगे, ये कहते हैं, और जब सैनिक का सर कटा था है, तो मोदी जी और ये कहते थे एक सर का हम 10 सर काट के लाएंगे, तो अब इतनी जल्दी उनकी आत्मा कैसे बदल गई? अब सैनिक हमारे मारे जा रहे हैं और वहां जाके मैंने चुपचाप जाके पाकिस्तान में घुस रहे हैं, तो ये मैंने एक मैंने जनता समझ गई है कि ये सारा सब प्रोपेगेंडा है, और ये अपने मीडिया में छाए रहने का एक तरीका है, पर जमीन पर हम देखें तो आज हमारे सारा प्रदेश से लेकर देश तक लोग परेशान हैं, उनको न कोई न्याय मिल रहा है न कोई हक मिल रहा है, सारी रोजगार गारंटी जो भारत सरकार की यूपीए सरकार की योजना थी सारी बंद कर दी है, इतना पैसा कहाँ जा रहा है, सब बंदरबाड़ चल रहा है, ये सारी चीज। सवाल ये उठता है कि आपने जैसे कहा कि वो हिंदुस्तान के नहीं विश्व के प्रधानमंत्री बन के घूम रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि पीएम जिस तरह से विदेशी दौरे कर रहे हैं, उससे जो आने वाले समय में दूरगामी परिणाम क्या निकलेंगे, हिंदुस्तान के हित में निकलेंगे या हिंदुस्तान के लिए अहित बनेंगे? अब ये सारी चीजें आपने देखा, हम पुराना इतिहास भी पलट के देखें कि हमारे महान इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, आप चाहे देखें मैंने नेहरू जी से जब भी जाए तो देश में तो सारा हिंदुस्तान की मैंने बात ताकत के साथ रखते थे, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, अब आपके मैंने राजीव गांधी जी, नरसिंह राव जी, अब इंद्र कुमार जी, और जो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमें कोई देश से मजबूत समझौता नहीं करते थे, पर आज उनका आप देखिए अपने मीडिया में छाए रहने के लिए क्या क्या तरीके अपना रखे हैं, और मैंने जाने क्या क्या मैंने फार्मूला देके और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये गुमराह इस देश की जनता होने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जमीन के आधार के काम करें और लोगों का जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए तरफ देखें, नहीं तो आज सरकार भगवान भरोसे चल रही है, बस 2-3 लोग दिल्ली की सरकार में प्रधानमंत्री अरुण जेटली जी और राजनाथ सिंह जी, बाकी मंत्री तो ये जेटली जी का जो आपने नाम लिया है डीसीसीए के जो लेकर मुद्दों को लेकर जेटली जी का नाम आया था, भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद को निलंबित कर दिया जाता है, आपको क्या लगता है जो करप्शन का एक मामला है, भ्रष्टाचार की जो बात की जाती है और एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की और सुशासन देने की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये है? तो ये बात है कि इस तरह से उन्होंने जो उनकी कथनी और करने में कितना बड़ा अंतर आपने देख लिया है, एक तो मैंने प्रधानमंत्री कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये उन्होंने कहा था, तो अब क्या हो रहा भाई, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, जब वसुंधरा राजे जी का खिलाड़ा बात आई उनको भी नहीं हटा पाए, वो सुषमा स्वराज जी के मामले में बात आई उनको भी नहीं हटा पाए, शिवराज जी के व्यापम का घोटाला इतना बड़ा हुआ उसको भी नहीं कर पाए, कई मंत्रियों के खिलाफ में बात आ रही एक को हटाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, पर हमारी जब सरकार थी जिसके खिलाफ आरोप लगता था तत्काल इस्तीफा ले लेते थे और जांच होने के बाद अगर निर्दोष होता तो उनको वापस लाते थे, पर उन्होंने इतने लोगों के साथ जो हुआ भ्रष्टाचार का जेटली जी का, अब खुद भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है अरुण जेटली निर्दोष है ये है, अब भाई केजरीवाल जी ने आयोग बनाया है, आयोग की जांच हो उसकी रिपोर्ट आने दो, सब सारी चीजें सामने है तो उसको क्लीन शीट आप दो और पहले देने की बात कर रहे हैं, तो इस बात को आप देखिए कि ये जितना भी भ्रष्टाचार है उसको दबाने में छिपाने में लगे हैं, पर देश की जनता पूरी साथ देख रही है कि अब उनका भ्रष्टाचार छुपने वाला नहीं, आने वाले से अगर इतना है तो खुद अरुण जेटली जी सीबीआई से जांच की मांग कर ले, सीबीआई की जांच तब तक इस्तीफा दे दे,
भाई पहले हमारी सरकार में कई मंत्री रेल मंत्री थे तो इस्तीफा दे देते थे तत्काल, तो अब ये इस्तीफा कुर्सी से चिपक के रेलवे से छुट तो उनको दूर होना तो पसंद करते ही नहीं वो लोग। बुढ़िया जी, पीएम का दावा है कि पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करने का प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री के दौरे को उसी नजरिए से देखा जा रहा है। हाल ही में राम माधव जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका एक बयान आया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और ढाका को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण होगा। तो आप क्या मानते हैं, क्या ये अखंड भारत का निर्माण इनके कहने से जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उससे हो रहा है? अब ये मना हवाई में सारी चीजें बात कर रहे हैं, ये मना जमीनी बात तो करते नहीं है। अब माधवन जी कह रहे हैं कि भाई हमारा मना आगे चल के हम लोग अब पाकिस्तान और बांग्लादेश और हिंदुस्तान को एक हम बनाएंगे। अब ये क्या चाहते हैं? अब आज जो मना सीमा पे जो मना मारकाट चल रही है, जवान मारे जा रहे हैं, वो तो उनको बचा नहीं पा रहे वो लोग। और आप इतने बड़े, ये तो इंदिरा जी जैसी एक मतलब शक्ति थी, नारी शक्ति, उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये कर सकते हैं क्या? उनमें इतनी कुबद है, हिम्मत है? ये सब बकवास है, ये फालतू के। माधवन जी, उनको कभी मालूम है आरएसएस का मतलब शाखा में काम करते करते मंत्री बन गए? मंत्री बनकर आप 3 देशों को कब्जे कर लेंगे हम? अरे तुम हिंदुस्तान की सीमाओं को मतलब जो आज मतलब हमारे सामने खतरा पैदा उसको दूर करो, दुश्मनों से डट के लड़ो, पर आप चुपचाप जाके मिलना ये करना, बिरयानी खा रहे हैं, ये किसे काम चलेगा? ये तो इसे देश में खतरा पैदा करने का तरीका है। डिप्लोमेसी मानते हैं आप? डिप्लोमेसी पॉलिसी नहीं मानते आप? ऐसी डिप्लोमेसी पॉलिसी नहीं, हिंदुस्तान के लोगों को विश्वास में रखना पड़ता। जब देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता था तो पहले देश को बना हो गया था, हम ये मुद्दे लेके जा रहे हैं और ताकत के साथ रखेंगे। और यहां तो जा रहे हैं तो रशिया जा रहे हैं, और रशिया से चुपचाप पाकिस्तान, कंधार इधर से होते अफगानिस्तान, तो ये कौन सा समझौता, कौन सी बात है? तो अगर जाए तो पारदर्शिता हो, देश की जनता को मालूम पड़ना चाहिए। रशिया के नाम से जा रहे, चुपचाप 2 जगह जाके कंट्री में जाके वापस आ रहे हैं और आके कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अब उसका रिजल्ट बाद में मालूम पड़ेगा, पर आप देखोगे ये इस तरह से देश के साथ खिलवाड़ है और देश की जनता को अंधेरे में रख के और अपनी भाई भाई लूटने का तरीका बिल्कुल बंद करें मोदी जी और भाजपा। अब ये माधवन जी जैसे मतलब 3 देशों को तोड़ के एक देश बनाने की बात करें, अरे तुम मतलब इतने ऊंचे सपने मत दिखाओ लोगों को जो तुम कर नहीं सकते हो। भारतीय पार्टी पे हमेशा एक बात का आरोप कांग्रेस लगाती रही कि वो भावनाओं से खिलवाड़ करती है। आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वापसी के संकेत दिए हैं और ऐसे समय पे राम मंदिर मुद्दे को लेकर के फिर हवा दी जा रही है। आपको क्या लगता है कि देश की एकता अखंडता के लिए जिस तरह से कांग्रेस अपनी बात करती थी उसमें कहीं ना कहीं हमला किया जा रहा है अप्रत्यक्ष रूप से? अब आज उसको देखें कि भारतीय जनता पार्टी को तो उनको तो एक ही चीज से मोह रहता है, कुर्सी। कुर्सी तक जाने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं, धर्म का आड़ लेते हैं, दूसरी बात करते हैं, गो माता की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं, सारी चीजें करने के बाद फिर भूल जाएंगे। फिर अब उनको कौन रोक रहा है? जब एक बार एनडीए सरकार बनी थी उस समय कहा कि हम कसम खाते हैं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, अब कसम खा के कहा कितने कसम खाओगे? अब मोदी जी ने भी कहा था नहीं बस पूरी बहुमत दे दो उसके बाद हम सब कर देंगे। अब क्या, कौन रोक रहा है उनको? अब ये देश के लोगों को गुमराह क्यों, कुर्सी पे आ गए, अब सारे वादे सारे बातें भूल गए, अब बाकी आम लोगों को मतलब भाई भाई को लड़ाने में लगे हुए हैं और जितने लोग हैं उन लोगों समाज को आपस में एक वैर भाव पैदा करने का काम कर रहे हैं और उनको मतलब बाकी देश की जनता को मतलब ध्यान हटा के और ये अपनी मजबूती और लूट खसोट भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा दिया उन्होंने, तो ये सारी चीजें उनका है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पे कांग्रेस पे हमला किया है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर कांग्रेस ने संसद नहीं चलने दी, कई विधेयक पास होना थे वो पास नहीं होने दिए, तो क्या ये सही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के अपने सोनिया जी और राहुल गांधी को बचाने के लिए हंगामा कर रही थी? ऐसा नहीं होता, ये तो विपक्ष में रह के हम जनता की आवाज बन के उनको काम करना है, हम विपक्ष में बैठे हैं। अगर सरकार अगर देश को गुमराह कर रही है, देश के साथ खिलवाड़ कर रही है, लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम है, तो विपक्ष बात उठाएगा अपना, वही एक ऐसा मंच है, वही तो हम बात रख सकते हैं। जब पिछले समय भी उन्होंने जब हमारी यूपीए सरकार थी, एक एक महीने तक पार्लियामेंट नहीं चलने दी उन्होंने, एक एक महीने तक नहीं चलने दी वो लोग हैं। आज ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस वाले नहीं चलने दे रहे, आज इंदिरा जी सोनिया जी और उनके बारे में झूठी झूठी बात है, उनकी तो एक आदत है। भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त बीमारी है,
वो बस कांग्रेस के नेताओं कैसे बदनाम करना, उन्होंने नेहरू जी को बदनाम करने की कोशिश की थी, उन्होंने इंदिरा जी को बदनाम करने की कोशिश की थी, राजीव जी को मोफर्स के बना बात करने बदनाम कोशिश की थी, क्या मिला? और आज सोनिया जी और राहुल गांधी जी को मतलब बदनाम करने के लिए ये सारी साजिश है, और उस साजिश को पर्दाफाश करने के लिए हम लोग पार्लियामेंट में ये बात उठा रहे हैं और हमारे नेताओं को अपमानित कर रहे हैं। तो ऐसी ये बातें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये जनता के सामने हम जाएंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाएगी देश की जनता। आपने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, जब पिटलावत के अंदर विस्फोट कांड हुआ था उसमें कई लोग मारे गए थे, करीब 76 लोग के लगभग मारे गए थे। आपने सरकार ने कहा था कि राजेंद्र कसावा जो मुख्य अभियुक्त है वो मारा गया है, और आपने कहा वो जिंदा है। आप किस बिना पे इस बात को दावे के साथ कह रहे हैं कि वो जिंदा है? भारतीय जनता पार्टी लाश के ऊपर राजनीति करती है। आपको मालूम है पेटलाद में इतना बड़ा हादसा हुआ है कि देश में सबसे बड़ा, और उसमें 100-125 लोगों की जाने गई, और उसमें जाने के मुख्य जो विस्फोटक रखने के विस्फोट करने वाला व्यक्ति राजन कासवा भारतीय जनता पार्टी का नेता था, अब वो उसके यहाँ सारा हो रहा है और सब लोगों की मौतें हुई। कई लोग आज मैंने बेचारे मौत और जिंदगी के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, उनका इलाज तक नहीं कर पाए। उन्होंने कहा 5-5, 10-10 लाख रुपए देंगे तो उनको पैसा तक नहीं पहुंचाया, और मृतक आत्मा की शांति के नाम से वो झाबा में आए पिटलाव में, और यहाँ का सबसे बड़ा जो चंदाखोर मिंडोला वो यहाँ से पूरे इंदौर में चंदा इकट्ठा करा 5-7 करोड़ रुपया ले जाके, और हमारे एक साध्वी सीधी साध्वी उनको भी जाके 8 दिन तक कथा करवाई, और सब लोगों को कहा भाई हमको तो इनका कोई कथा की कोई बात नहीं, उनको उपचुनाव था, उपचुनाव में लोगों को कैसे गुमराह करना, कैसे उनको धर्म के आड़ में हम लोग मोड़े, कैसे ये 100 से अधिक जाने गई उसको कैसे लोग भूले, ये सब चक्कर में आए थे। उन्होंने 50,000 से 1,00,000 सरयां भी बांटी, उन्होंने जितने भी बड़े बड़े भंडारे किए, और पूरे 8 विधानसभा से अगर बाहर से अगर भाई कथा हो तो 4 प्रदेश के लोग आते हैं, इंदौर के लोग भी जाते हैं, पर 8 विधानसभा के बाहर के लोगों ने बुलाए, उन्होंने बसे आरटीओ को लगाया और हर गांव से रोज भर भर के बसे लाके लोगों को गुमराह किया, और सारी चीजें और करने के बाद और ये सब बातें हुई, और उन्होंने धर्म के आड़ में ये करा, पर बाकी जनता ने उनको सबक सिखाया है, कितने भी हटकंडे अपनाए, कितने भी अनैतिक काम किए, मगर चुनाव में मुझे उन्होंने मतदान दिया, कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, तो उन मतदाताओं को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ ही सरकार कह रही है राजन कासवा की हत्या मतलब मौत हो गई है, और पहले उन्होंने एक 32 साल का जो नौजवान था उसका मैंने DNA करवाया, करवाने के बाद उन्होंने साफ किए लेबोरेटरी में कि वहां पर मैंने वो नहीं है, राजन कासवा जिंदा है, उन्होंने ऐलान कर दिया जिंदा। मुख्यमंत्री 1 लाख की घोषणा की, फिर 5 लाख की पकड़ने के लिए घोषणा की। अब उसी नंबर 6 की पोटली जो थी यहां पे रखी थी वो सभा पे लेबोरेटरी में भिजवा के, और उन्होंने फिर मैनेज किया कि उसी को कह दो तुम तो मर गया। अब 1.5 महीने बाद है उन्होंने कह दिया कि राजन कासवा जिंदा है, अब वो कह रहे 3 महीने बाद कि राजन कासवा मर गया है। तो ये अपना बचाने के लिए राजन कासवा आज जिंदा है, आप देखिए वो आदमी कहां क्या है, जो कहां से वहां से निकल के गया है मोहनखेड़ा जाके, वो उसी दिन मोहनखेड़ा दिन भर रहा राजन कासवा, फिर वहां से जाके रेलवे स्टेशन महेंद्रनगर से वो बैठ के बॉम्बे गया, और बॉम्बे में वहां रहा, और वहां से उसको मतलब देश के बाहर उसको निकाल दिया, कब तक छिपाएगा? अब ये सारी चीजें आप वो अपने जो जो आप ये दावा कर रहे हैं उनका हम तो ये बात कर रहे हैं शिवराज जी से कि अगर अपने आप को सही माने तो आप CBI की जांच की मांग कर लें, CBI की जांच की आप मांग कर लीजिए तो दूध का दूध पानी पानी के हो जाएगा। तो ये हमारी मांग है कि CBI से जांच कराओ और राजन कासवा की सही स्थिति सामने आ जाएगी। आपका जो संसदीय क्षेत्र है वो गुजरात से लगा हुआ है, और चूंकि रोजगार की बात हुई है मध्य प्रदेश में, प्रदेश के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा है कि पूंजी निवेश के नाम पे हम तमाम उद्योग लगा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ रोजगार मध्य प्रदेश में मिल रहा है, क्या निवेश पूंजी निवेश हो रहा है, या कई लोगों को मजदूरों को मरने की एक बातें बहुत सामने आ रही है कि गुजरात या आसपास के जो राज्य हैं वहां जाने के बाद में बेमौत मारे जा रहे हैं मजदूर, क्या है पूरा मामला? यादव जी आप सही कह रहे हैं कि हमारा ट्राइबल एरिया है,
और मजदूरी के आधार पर सारा अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। आज वहाँ पर ये स्थिति सारे आज लोग पूरा झाबुआ प्लान हो रहा है, करीब 2-2.5 लाख लोग झाबुआ छोड़ के जा रहे हैं, चाहे छिलाना हो, चाहे रतलाम झाबुआ में अपना पेटलावा थानला अलियाजपुर जोबट, और ये सारा एरिया पूरा खाली होता जा रहा है। और मुख्यमंत्री झूठी झूठी घोषणा कर रहे हैं, एक पैसा नहीं दिया और उसके बाद ही लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा। भाई मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया था, इंदिरा जी ने आके उसको शिलान्यास किया था, वहां पे जितने भी उद्योग आएगा वो पर्यावरण और मानव जीवन को नुकसान न हो ऐसी फैक्ट्री आए, उसके लिए ये वहां पर शुरुआत की थी। मगर ये शिवराज जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जितने केमिकल की फैक्ट्रियां जो सारे देश में बंद हो गई, 350 फैक्ट्रियां वो बंद हो गई, उन फैक्ट्री को झाबुआ जिले के जो बेल्ट ट्राइबल है वो वहां ला के उन्होंने लाइसेंस दे दिए, 350 लाइसेंस दिए, और अभी करीब 50 फैक्ट्रियां स्थापित हो गई। और अभी से वहां बीमारी शुरू हो गई है, वहां पे जुमा सारे उद्योगपति जो गुजरात के आनंदीबेन मुख्यमंत्री उसकी फैक्ट्री वहां शुरू हो गई। आज वहां पे पानी पेट्रोल जैसा पानी मेरा 100 फीट पे 200 फीट पे पानी निकल रहा, ताला में पेट्रोल जैसा पानी हो गया, लोग पानी पी नहीं पा रहे हैं, लोगों के बाल झड़ना शुरू हो गए, कुत्ते के बाल झड़ गए, गाय मर गई, भैंसे मर गई, उसके बाद भी आज फैक्ट्रियां चलाने की बात कर रहे हैं। तो आप रोजगार मूलक काम न करते हुए रोजगार गारंटी बंद कर दी, सारी चीज कर दी, ये इनका तो एक ट्रैवल एरिया है, वहां कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं, ऐसी जहरीली फैक्ट्रियां झाबुआ जिले में भेज दो, ये समझ के करे पर वहां पर जनप्रतिनिधि मजबूत है, वहां हम लोग आवाज उठा रहे हैं, ऐसी जहरीली फैक्ट्रियां हम आने नहीं देंगे, और जो रोजगार मूलक फैक्ट्रियां हैं उसकी स्वागत है, तो ये हमने उसको बात की है। प्रदेश में कांग्रेस की वापसी के साथ में जिस तरह से एक आशा बंधी है कि कांग्रेस मजबूती से आ रही है, भोपाल में भी हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान ने एक बयान दिया है, उसमें कहा है कि नए वर्ष में यानी 2016 में कांग्रेस नए तरीके से नए स्वरूप में प्रस्तुत होगी और जनता के सामने मजबूती से आएगी, और सीएम के रूप में जो है उन्होंने कमलनाथ का नाम प्रोजेक्ट किया है कि कमलनाथ को लेकर के इस बार अगला सीएम मध्य प्रदेश का कमलनाथ होंगे। अब कांग्रेस हम लोग एकजुट हो रहे हैं और हमारा जो काम करने की तरह जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने एक प्रैक्टिकल तौर पे देखा झाबुआ में रालिया रतलाम में जो बाई इलेक्शन हुआ है वहाँ एकजुट होकर हम लोग लड़े, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, सिंधिया जी और मोहन प्रकाश जी, अरुण यादव जी, और हम लोग सब एक होके और आज हम लोग एक और आप कांग्रेस पिकअप कर रही है और आने वाले समय में और मजबूती के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जितना भ्रष्टाचार है, जो कुशासन है और जितने भी जो व्यवस्था है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, ये जंगल राज चल रहा है, ये लोगों के तक ले जाएंगे और भाजपा को बेनकाब करेंगे और आने वाला 2018 का चुनाव निश्चित ही कांग्रेस जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे 2018 की बात करो चाहे 2019 की बात करो। पर अब ये दोबारा भाजपा पलट के आने वाली नहीं है, उन्होंने तो इस देश को और प्रदेश को तबाह करके रख दिया। आज आम आदमी परेशान हो रहा है, आप इंदौर के लोगों को देख लीजिए, आज गरीब आदमी परेशान हो रहा है, जितने भाजपा के नेता साहब ने सार अतिक्रमण करके बैठे हैं, गरीब का अपने मकान उठा उठा फेंक रहे हैं, उनको मैंने साथ बेरोजगार छीने जा रहा है, खाद्यान्न सब कालाबाजारी में जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसी मैंने दूरदृष्टि जो सरकार है, जो कोई समझ नहीं सकती है, जो अपने ही एक ही उनका नारा है राम नाम जपना पराया अपना, तो पराया माल हड़पने वाली सरकार अब ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएगी, ये मैं कह रहा हूं। आप केंद्रीय मंत्री रहे थे और आपका पूरा कार्यकाल पूरा बेदाग रहा है और हाल ही में उपचुनाव के अंदर आपने विजय हासिल की है, तो क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी के हीरो कांतिलाल भूरिया हैं, और कांतिलाल भूरिया अगर हैं तो उनको केंद्रीय नेतृत्व में किस तरह का तवज्जो मिल रहा है, क्या राष्ट्रीय राजनीति में आपकी भूमिका का स्वरूप कुछ और बदलेगा? भाई आप जानते हो मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैंने ये शुरू किया था, मैं अपने आप कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग काम करते आ रहे हैं और आज भी उसी हैसियत से हम लोग काम कर रहे हैं। ये तो पार्टी जिसको मैंने जिम्मेदारी सौंपती है और हम लोग ताकत के साथ काम करते आए हैं, कर रहे हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कौन कहाँ बैठे, कौन कहाँ जाए, ये बात न देखें, हम लोग सब मिलके ये कांग्रेस को मजबूत करें और मजबूत करने के साथ हमारी नेता श्रीमती सोनिया जी और राहुल जी का हाथ कैसे मजबूत करें, और जितने फासिस्टवादी जो लोग हैं कांग्रेस नेता को बदनाम करने गए उनका मुकाबला डट के करेंगे और गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। ये था कांतिलाल भूरिया, जिन्होंने जिनके बिना पे जिनके दम पे झाबुआ उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी को पराजित करके जीती गई है, कांग्रेस ने जीता है और
इसी उपचुनाव के बाद से प्रदेश में कांग्रेस की वापसी के संकेत मिले हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव हो या फिर आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, उनको भी झाबुआ के संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव जीतने के बाद से देखा जा रहा है। और कांतिलाल भूरिया जी ने साफ तौर से कहा है कि प्रदेश में नहीं देश में जंगल राज चल रहा है और इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ कांग्रेस पुनः एकजुटता से आएगी और अपना वर्चस्व जो है कायम करेगी। नमस्कार।